नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज हम बात करेंगे उस दिव्य तिथि की, जब कहते हैं देवी देवता धरती पर आते हैं और मनाते हैं देव दीपावली। आज है भगवान विष्णु के प्रिय कार्तिक मास की पूर्णिमा। इस दिन स्नान, ध्यान और दान का बड़ा महत्व होता है। दिवाली से 15 दिन बाद पूर्णिमा पर पंचांग में एक और दिवाली मनाने का विधान है, जिसे देवों की दिवाली यानी कि देव दीपावली कहते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में दीपदान का सबसे ज्यादा पौराणिक महत्व है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा की महिमा। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा की पुण्यकारी तिथि, गंगा स्नान की दिव्य तिथि, देव दीपावली का त्योहार, देव आएंगे आपके द्वार। पंचांग की सबसे पवित्र तिथि है कार्तिक पूर्णिमा। दैवीय कृपा के कार्तिक मास की पूर्णिमा ऊर्जा से परिपूर्ण होती है, तभी तो इस दिन किया गया स्नान खास होता है। इस दिन का दान अक्षय फल देता है। ये साल का ऐसा दिन होता है जिस दिन सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है, जब माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करना आसान होता है। क्षीर सागर में जब बैठे हुए थे विष्णु जी, तो नारद मुनि जो है वो वहां पर आए थे, और कहा जाता है कि क्षीर सागर का कार्तिक में मास में दान करने से बहुत ज्यादा सुख शांति और समृद्धि घर में आती है। मान्यता है कि कार्तिक महीने की अमावस्या पर पूरा देश दीपक जलाकर दीपावली मनाता है, लेकिन दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक महीने की पूर्णिमा को देवता दीपावली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी के जल से स्नान करके दीप दान करना चाहिए। ये दीप दान नदी के किनारे किया जाता है। इस दीप दान का दीपावली से कोई संबंध नहीं है। वाराणसी में इस दिन गंगा किनारे बड़े स्तर पर दीप दान किया जाता है। ये वाराणसी में लोकाचार की परंपरा है। इस दीप दान को वाराणसी में देव दीपावली कहते हैं। कार्तिक मास में ही दीप दान किया जाता है, दीपावली किया जाता है। सुबह गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान नहीं करते हैं तो घर में भी सूर्योदय से पहले स्नान किया जाता है। दीपावली, छठ, धनतेरस, देव दीपावली इत्यादि जितने भी पर्व हैं सब कार्तिक महीना में ही होता है। तो कार्तिक महीना की मान्यता तो ऐसे ही बढ़ जाती है। और यह कार्तिक महीना में रामायण काशी भी होता है, जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, माता लक्ष्मी से संबंधित रहता है। तो यह कार्तिक महीना माता लक्ष्मी का भी प्रिय है और भगवान विष्णु का भी बहुत प्रिय है। हिंदू धर्म में पूरे कार्तिक मास के दौरान तीन दिवाली मनाई जाती है। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी को छोटी दीपावली, अमावस्या को दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाने का विधान बताया गया है। देव दीपावली पर हर जलाशय पर दीप जलाने की मान्यता है, लेकिन इस तिथि पर काशी में गंगा घाटों का नजारा देखते ही बनता है। देवभूमि काशी तो इस भव्य दीप दान की साक्षी सदियों से बनती आई है। काशी की गंगा दीपों से जगमगा उठती है। काशी के घाटों की भव्यता मन मोह लेती है। देव दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, तो उससे सारे देवता प्रसन्न हुए थे और काशी में जाकर अनेकों दीपक जलाकर दिवाली उन्होंने मनाया था। यही इसकी सबसे बड़ी महिमा है। वैसे तो कार्तिक महीने में पूरे महीने ही दीप दान की परंपरा पुण्यकारी बताई गई है, लेकिन दीपावली और देव दीपावली पर जलाया गया कामना का एक दीपक सुख समृद्धि के साथ साथ मोक्ष दिलाने वाला माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा घाट पर दीपावली मनाते हैं। कहा जाता है कि देव दीपावली के दिन की गई पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि इस दिन देवी देवता स्वर्ग से गंगा नदी में स्नान के लिए आते हैं, इसलिए वाराणसी के गंगा घाट को दियों से जगमग कर दिया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान का महत्व बताया गया है।
आप स्नान घर में करें या आपके घर से नजदीक गंगा नदी हो तो वहां पर जाकर आप स्नान कीजिए या घर में गंगा जल जाकर स्नान कीजिए। दान का बहुत है और दीप दान का भी महिमा है और अन्न दान का भी बहुत महिमा बताया गया। अन्न दान में शतंजा का जो है 7 प्रकार के अन्न का मिलाकर दान किया जाता है तो उसके जीवन में हर प्रकार की दुख रोग शत्रु ग्रह पीड़ा से समाप्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा यानी वो पवित्र दिन जब देवी देवता धरती पर आते हैं और मनाते हैं देव दीपावली। देवों का वास इस दिन धरती पर होता है इसलिए इस दिन किए गए स्नान ध्यान और दान का महत्व सबसे ज्यादा होता है। पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। इस तिथि के स्वामी स्वयं चंद्र देव है। इस तिथि को सूर्य और चंद्रमा सम सप्तक होते हैं। इस तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है इसलिए नदियों और सरोवरों में स्नान किया जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा के स्नान से 9 ग्रहों की कृपा आसानी से मिल सकती है। इस दिन स्नान दान और ध्यान विशेष फलदायी होता है। कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार पौराणिक इतिहास में दर्ज है जिसकी शाम को त्रिपुरोत्सव मनाया जाता है। देव दीपावली का त्योहार ही वो तिथि है जिसकी वजह से भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम मिला। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष पर निवास रहता है। मीठे जल में दूध मिलाए पीपल के पेड़ पर चढ़ाए माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। चावल दान करने से चंद्र ग्रह शुभ फल देता है। शिवलिंग पर कच्चा दूध शहद और गंगा जल मिलाकर चढ़ाएं। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधे। पूर्णिमा पर खीर बनाए खीर में मिश्री और गंगा जल मिलाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाए। मुख्य द्वार पर रंगोली बनाने से सुख समृद्धि आती है। तो आप भी कार्तिक पूर्णिमा पर करें ये विशेष उपाय। श्री हरि और माँ लक्ष्मी के कृपा से ये पूर्णिमा आपके लिए भी पुण्यदायी होगी। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन भगवान शंकर ने खुद देवताओं के साथ गंगा के घाट पर दिवाली मनाई थी। इसी के बाद देव दीपावली की परंपरा शुरू हुई। कहते हैं इसी त्योहार के दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इस तिथि को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं और काशी में होने वाली गंगा आरती की दिव्यता तो अद्भुत ही होती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव सो जाते हैं तो वे 4 माह बाद कार्तिक माह की एकादशी को उठते हैं। उनके उठने के बाद कार्तिक माह की पूर्णिमा को देव दीपावली मनाते हैं। देव दीपावली का पौराणिक इतिहास कहता है कि यह त्योहार भगवान शिव से विशेष संबंध रखता है जिस वजह से देव दीपावली को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव जो है त्रिपुरांतकारी नाम का एक राक्षस था जो बहुत ही खतरनाक राक्षस था उसका उन्होंने वध किया जिससे देवी देवता प्रसन्न हो गए और इस त्रिपुरारी सुर नाम के जो राक्षस का उन्होंने अंत किया तो यह पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जानने लगा। और विष्णु और भगवान विष्णु खुश होकर जो है भगवान शिव को त्रिपुरारी के नाम का संज्ञा भी दिया। इसी खुशी में जितने भी देवी देवता हैं वह काशी में बनारस में धरती पे आते हैं और गंगा किनारे जो है दीपावली का उत्सव दीप जलाकर अपना खुशी प्रदान करते हैं। तो यह उसका यही कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार त्रिपुरासुर राक्षस ने अपने आतंक से पूरी धरती और स्वर्ग लोक में सभी को त्रस्त कर दिया था। देवता और ऋषि मुनि भी उसके आतंक से त्रस्त थे। परेशान होकर सभी देवगण भगवान शिव से सहायता मांगने गए। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर दिया। राक्षस के अंत की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भोलेनाथ की नगरी काशी में पधारे। उन्होंने काशी में दिए जलाकर खुशियां मनाई। जिस दिन ये हुआ उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी। देव दीपावली के साथ कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं। जब सृष्टि का प्रलय होने से के बाद भगवान जो विष्णु का सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार के रूप में जो हुआ है
जिसमें उन्होंने सप्तऋषियों को बचाया है, अनाज और बीज सारे जीव जीव का जो बचाया है वह मत्स्य स्नान में होता है। और मत्स्य स्नान के रूप में भगवान विष्णु गंगा में ही विराजमान होते हैं, इसलिए इस तिथि की और वैल्यू बढ़ जाती है। और भगवान विष्णु से संबंधित है, मत्स्य अवतार से संबंधित है, इसलिए कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का भी प्रावधान है। गंगा स्नान करने से बहुत ही पुण्य मिलता है और जन्म जन्मांतर का जो है वह पाप समाप्त हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। भगवान कृष्ण को इसी तिथि को आत्मबोध हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही माता तुलसी का धरती पर प्राकट्य माना जाता है। इस दिन तुलसी के सामने दीप दान की परंपरा है। इस दिन शालिग्राम के साथ ही तुलसी की पूजा, सेवन और सेवा करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। देव दीपावली का त्योहार भी 5 दिनों तक चलता है। विशेषकर काशी के दशाश्वमेघ घाट पर होने वाली गंगा आरती की दिव्यता अनुपम होती है। गंगा की लहरों पर सवार होकर दीपों की रोशनी में गंगा की यात्रा इस पूर्णिमा की रात को स्वर्ग सा सुंदर बना देती है। सिख समुदाय के लिए भी ये तिथि परम शुभकारी है, क्योंकि मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर ही गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन को सिख धर्म के लोग गुरु पर्व मनाते हैं। तो पुण्य की प्राप्ति की तिथि है आज, महालाभ की तिथि है आज, देव दीपावली के कल्याणकारी पर्व से जुड़े विधि विधान और उपाय क्या होंगे आगे जानिए। कार्तिक पूर्णिमा पर की गई पूजा पुण्यदायी है। इस शुभकारी तिथि पर किए गए छोटे छोटे उपाय जीवन से न केवल संकटों का निवारण करते हैं बल्कि जीवन की दशा और दिशा दोनों ही सुधार देते हैं। तो आइए जानते हैं देव दीपावली से जुड़ी कुछ महाप्रयोग, कुछ उपायों के बारे में। कार्तिक की पूर्णिमा भगवान शिव, विष्णु, माँ गंगा, माता तुलसी, भगवान कृष्ण, राधा के साथ साथ भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का दिन होता है। देव दीपावली बेहद पुण्यकारी मानी गई है। तो अब समझिए ज्योतिष के विशेषज्ञों द्वारा बताए गए देव दीपावली से जुड़े कुछ महाप्रयोग। देखिए देव दीपावली के दिन हमको चाहिए, प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि प्रातः काल उठकर स्नान कर ले, उसके बाद आटे का एक दीपक बनाकर उसमें घी अथवा तेल और जो नारा होता है कलावा, जिसको हाथ में बांधा जाता है, उसका जो है बत्ती बना करके और प्रातः काल से ही जलावें, जो रात 8 बजे तक जलना चाहिए। और उस दीपक के पास बैठ करके कुछ भी न करें तो केवल ओम नमः शिवाय का उच्चारण यदि करते हैं तो, यदि विद्यार्थी है तो उसकी विद्या की वृद्धि होती है, यदि कोई रोगी है तो वह दीपक जलाकर ओम हौं जून सह, ओम हौं जून सह केवल मात्र इस मंत्र का जप कर दे देव दीपावली के दिन, तो वह जो है 50,000 महामृत्युंजय का फल प्राप्त होता है। देव दीपावली पर दीप दान करके पितरों की कृपा भी पाई जा सकती है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, घर के दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। सुख समृद्धि के लिए गोमती चक्र, काली हल्दी, एक सिक्का और कौड़ी लपेट कर तिजोरी में रखना शुभ माना जाता है। भगवान कुबेर के आगे दीप जलाएं, धन संबंधी बाधाएं दूर होंगी। माँ लक्ष्मी की पूजा में खीर का भोग विशेष कर लगाएं। यदि लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहें तो उसी दिन बैठ करके कमल गट्टे की माला मिल जाए, यदि कमल गट्टे की माला नहीं है तो अस्फटिक की माला, अस्फटिक की भी नहीं है रुद्राक्ष की है या तुलसी की माला है, नहीं है तो कर माला है, यदि उससे बैठ करके लक्ष्मी जी का जप कर लिया जाए ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ये जप कर लेता है तो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को तो उसको अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में
जिस तरह लगभग हर त्योहार में दान करने की परंपरा रही है और मान्यता है कि दान करने से सुख समृद्धि आती है, उसी परंपरा का निर्वहन इस त्योहार पर भी किया जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्षीर सागर का दान भी किया जा सकता है। इस दिन श्रीहरि भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इस दिन क्षीर सागर का दान भी किया जाता है। क्षीर का दान करने से स्वास्थ्य संपन्नता का वरदान मिलता है। 24 अंगुल का बर्तन लें, इसमें दूध भर लें। इसके बाद उसमें सोने या चांदी की मछली डाल दें। अब मछली समेत इस पात्र को किसी ब्राह्मण को दान करें। तो इस कार्तिक पूर्णिमा पर आप भी जलाइए सच्ची श्रद्धा के साथ मन्नत का एक दीपक और पा लीजिए ईश्वर का आशीर्वाद। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, चलेंगे किसी और दिव्य यात्रा पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।